वेलकम टू रोशनी की दुनिया। ऐसा स्नैक्स जो एक बार बनाए कई दिनों तक खाए, जिसका स्वाद हो चटपटा क्रिस्पी। तो चलो बनाएं आलू चिप्स। हमारे यहाँ अक्सर इसे रमजान में बनाया जाता है, जिसे एक दिन बनाकर चार दिन खाते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg बड़े साइज का आलू ले लिया है। अब हम आलू को अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे आलू को छील लिया है। अब हम इसको पानी में डालकर अच्छे से धुल लेंगे। अब हम यहाँ पर चिप्स मशीन लेंगे, जिसकी सहायता से धीरे धीरे सारे आलूओं को कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे चिप्स को काट लिया। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम एक टॉवेल लेंगे और सारे चिप्स को अच्छे से फैला देंगे और इसको दूसरे तरह से टॉवेल की सहायता से इसका पानी को हम अच्छे से सुखा देंगे। अब हम इसे एक बर्तन में ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे चिप्स को अच्छे से सुखा लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालकर गर्म करेंगे। अब हम इसमें चिप्स को डालकर और चला देंगे। जब तक यहाँ पर चिप्स फ्राई हो रहा है, तब तक हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1 स्पून हल्दी, नमक और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलते हैं अब आलू की तरफ। हमारा आलू थोड़े से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हल्दी नमक वाला पानी डाल देंगे। इसको डालने से क्रिस्पी बनता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि हमारा चिप्स जले ना। यहाँ पे हमारा चिप्स गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। इसे हम टिश्यू पेपर पर रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम मसाला रेडी करेंगे। एक बाउल में 1 स्पून नमक, चाट मसाला, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें फ्राइड चिप्स को डाल और ऊपर से ये मसाले डालेंगे और एक प्लेट से हम ऊपर से ढक देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे चिप्स कितने क्रंची बने हैं। आप भी इसे बनाएं और रमज़ान में एंजॉय करें।